पंजाब में झाड़ू ने झाड़ू चला दी, सबको धाराशाही कर दिया, अनप्रीसीडेंटेड मैंडेट, 91 सीटें। उत्तराखंड में भी अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार खुद को रिपीट कर रही है, और 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी फिर से सरकार बनाती दिख रही है। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले बम बम है, कमल पुरजोर तरीके से खिलता दिख रहा है, और कमल को खिलाने में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले खास उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी थे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा अनुराग ठाकुर। युवा हैं लेकिन तजर्बा असीम है। तो पहले शुरुआत अनुराग उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये तो ईवीएम बेवफा हो गई, 2 दिन पहले जो कहा था ईवीएम बेवफा हो गई। देखिए बहुत प्रयास किया गया। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज को देखकर एक बार फिर उनको चुना है, एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है और एक बार फिर सत्ता में आने का मौका दिया। बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी की छवि, गरीब कल्याण के काम और सुशासन और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। उत्तर प्रदेश में योगी जी ईमानदार छवि के साथ 5 वर्ष काम किया, अपराधी गुंडे माफियों से मुक्ति दिलाने का काम किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाकर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश लाकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी लाए, तो आपदा के समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर जो एक बड़ा काम किया वो अपने आप में कहीं ना कहीं दिखता है और जनता ने आशीर्वाद दिया। जहां तक आपने कहा ईवीएम का और बेवफाई का, मैं यही कहूंगा अखिलेश जी ने प्रयास किया कि नई सपा है, नई हवा है, एक नारा देकर नई छवि बनाने का, लेकिन आगे से उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज आती थी वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कह रहे हैं ईवीएम बहुत बेवफा है।